वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर जस्सी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर जस्सी। हाउ आर यू ऑल? और ये हमारा हो गया है सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद के जो बर्तन हैं वो क्लीन हो रहे हैं और बस सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है किचन को क्लीन करने का वो सब हो रहा है। टाइम हो गया है सुबह के 11:30 बजे और ये रेडी हो रही है सुबह की चाय, मीन्स जिंजर टी। जिंजर टी सबको बहुत पसंद है। तो ये चाय के बनने के दूध डालने के बाद ही जिंजर को डाला जाता है, अदरक को नहीं, तो पहले चाय दूध के फटने का डर होता है। और ये रेडी हो गई है हमारी अदरक वाली चाय। चीनी इसमें मैंने नहीं डाली है। सबसे पहले हम पापा के लिए निकाल देते हैं क्योंकि वो डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ हैं उनको, तो हम लोग विदाउट शुगर उनके लिए पहले एक कप निकाल देते हैं। उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें शुगर ऐड कर लूँगी। लाइक 3 कप्स चाय हमको चाहिए तो
3 टेबलस्पून चीनी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो बस ये हो गई है हमारी चाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो वैसे मेरी अब हुई आपसे बात और बस आज लंच में बनने वाली है वाइट चने की सब्जी। ये रही, बहुत ही मस्त लगती है वाइट चने की सब्जी, या आप कह सकते हैं छोले की सब्जी पंजाबी में। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, मतलब जो किचन में काम करेगा उसकी बज जाएगी बैंड। हाँ, बस यहाँ पे सब रेडी हो चुका है। प्याज को मैंने ग्राइंड करके रख लिया, टमाटर को मैंने प्यूरी बना के रख ली, एंड हियर इज़ द पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बस हम लोग सब्जी बनाएंगे, और जब तक आप शेयर से बात ना करो तब तक मज़ा नहीं आता। चलो ठीक है, फिर हम सब्जी के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना? अभी चने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी तेल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा हिसाब से डाल लिया है जितना हमको चाहिए 4 मेंबर्स के हिसाब से। तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पे मेरा बेबी गैरी भी पहुंच गया है। वो सब जगह पहुंच जाता है जहां उसको लगता है मम्मा है। और ये मैं उसे कह रही हूँ कि हाय करो। एक्चुअली आज ये सुबह सुबह 3 बजे से उठा हुआ है, और 3 बजे से उठ के वापस 10 बजे सो गया है, तो अब इसलिए ये सुस्ती हो रहा है थोड़ा सा। मैंने इसमें प्याज का पेस्ट, सबसे पहले प्याज का पेस्ट ऐड किया है, साथ साथ क्लीन भी करते जाएंगे किचन को। जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब तक मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने सैलेड काटना शुरू कर दिया। ये सैलेड कट रहा है खीरा, प्याज और सैलड काट के मैंने रखा ही था कि फिर मुझे लगा कि नहीं, प्लेट छोटी है तो बड़ी प्लेट लेकर आऊँगी मैं अभी। उसको उसमें ट्रांसफ़र किया है और अभी सारा सैलड काट रही हूँ मैं, कि चलो जब तक तड़का हो रहा तब तक सैलड भी कट गया। अब ऐड करूंगी इसमें मैं अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड। मैं डालूंगी नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ा कम ही नमक खाते हैं, कम ही मसाला खाते हैं हम लोग, पर गर्मी में ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। नमक ज़्यादा होगा, मसाले तेज होंगे, तो वही बार बार प्यास लगती है, तो हम लोग उतना ही मॉडरेट ही खाते हैं, नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं। यहाँ मैं ऐड करने वाली हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से फ्लेवर अच्छा हो जाता है सब्जी का। नया ही पैकेट है, आई थिंक पुराना ख़त्म हो गया होगा, तो मम्मी से मैंने नया पैकेट लिया है। थोड़ी सी डाल दी है कस्तूरी मेथी और एक बार सब्जी को मसाले को घुमा लेंगे। और ये हमारे घर के पास ही प्लॉट है हमारा, उसमें पेड़ लगा हुआ है, मैंगो ट्री लगा हुआ है, तो कच्चे आम हैं। तो ये हस्बैंड और पापा गए हैं वहाँ पे कच्चे आम तोड़ने, चटनी बनाने का प्लान बन गया है। पुदीना भी घर पे ही लगा हुआ है ऊपर गार्डन में, मिर्ची पुदीना सब लगा हुआ है, तो ये आम भी लेने पहुँच गए हैं ये लोग। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन आम, पेड़ कितना मस्त लग रहा है।
तो ये पापा ने कुछ रखा हुआ है तोड़ने वाला डंडा, तो ये उससे तोड़ रहे हैं खूंटी से, पकड़ पकड़ के नीचे गिरा रहे हैं आम को। तो ये वहां से ले आएंगे आम, तो फिर बनाएंगे चटनी। बैक टू किचन। ये मुझे ला के दे रहा है कच्ची अंबियां। ये भाई साहब, छोटे भाई साहब हमारे गैरी, ये भी गए थे पापा के साथ। छोटे छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं। तो वो मुझे ला ला के पकड़ा रहा है कि हम लेकर आए हैं तोड़ के। तो बस यहाँ दूसरी ओर राइस बनने की तैयारी हो रही है, जीरा राइस। इसमें तेल में डाला है जीरा, लौंग, तेजपत्ता, कुछ आलू थे, कुछ मटर थे। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल दिया मैंने राइस। ये चटनी बनने का तैयार सामान तैयार हो रहा है। साइड बाय साइड पैरेलली काम चल रहा है। और यहाँ चावल बन रहे हैं। कुकर बंद कर दिया है। यहाँ चटनी, ये है आम, प्याज, थोड़ी सी लहसुन, चार कलियाँ लहसुन की, और टमाटर। ये है पुदीना और हरा धनिया। तीन चार बार इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर डिप करके रख दिया था सोक करके। ये पुदीना और हरा धनिया। हरी मिर्ची डाली है दो, ये तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। और नमक डाला। बस ये हमारी चटनी रेडी हो जाएगी अभी। और इधर मैंने सब्जी में डाल लिया थोड़ा सा गरम मसाला, एंड ये हमारा चटनी, हमारे चावल, सैलेड एंड और सब्जीज रेडी। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।